नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार दर्शनी आप सभी का आपके अपने चैनल जीवन है पानी की बूंद में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र जय श्री राम। मित्रों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें परम पूज्य आचार्य 108 श्री विमर सागर जी महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सारी सृष्टि देखी मैंने, मिला ना मुझको कहीं भी चैन, गुरुवर की बस एक झलक को तरस गए हैं मेरे नैन। नमस्ते गुरुवर। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ उस विषय से आप सभी बखूबी परिचित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में संकट बना हुआ एक विषय है जिसको आप सभी जिस विषय से अवगत है, कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस। मित्रों, मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता स्वरूप लें, क्योंकि ये विषय एक आम विषय अब नहीं रहा, ये बहुत संवेदनशील विषय बन चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे विनती कर कहा कि 21 दिन तक के लिए अपने आप को घरों में बंद कर ले, घरों से बाहर ना निकले। फिर भी ना जाने क्यों हम अभी तक उस बात को समझ नहीं पाए। मित्रों, ये विषय गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, इसे हमें गहराई से और जिम्मेदारी से रूप लेना ही होगा, नहीं तो ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर लेगी और उस वक्त इसका कोई हल नहीं होगा। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने इतना सटीक निर्णय एक उचित समय पर लिया, जिससे इस महामारी को हम कम संख्या में अपने देश में देख पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर तुलना की जाए तो हमारे भारत देश के अलावा जितने भी और देश हैं उनमें सभी में संक्रमण की जो स्थिति है वो अधिक से अधिक ज़्यादा ही है, और हमारे भारत में अगर ये कंट्रोल होकर चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा सराहनीय योगदान है, सराहनीय निर्णय है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। तो दोस्तों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्णय का पालन करना है, उनके निर्णय का सम्मान करना है, और ये निर्णय आपका खुद का होना चाहिए। अगर आज हमारा देश किसी विषम परिस्थिति में चल रहा है तो उसको बचाना, उसमें अपना सहयोग देना, ये हमारी भी कहीं ना कहीं नैतिक और व्यवहारिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत देश केवल नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं है, हम सभी का है, और हम सबको मिलकर हमें हमारे भारत को फिर से सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाना है। तो दोस्तों, आज ये आप सब मिलकर संकल्प लें कि हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों का पालन करेंगे और अपने देश को इस संक्रमण से बचाएंगे और अपने घरों में ही रहेंगे। दोस्तों, 21 दिन का ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री हमारे देश के मुखिया हैं, और आप जानते हैं कि अगर हमारे परिवार में हमारे मुखिया पर कोई आ जाती है, कोई बात आती है, किस तरीके से सहयोग करते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, तो आज वो ही पहले दोस्तों, आज हमारे मुखिया को हमारी आवश्यकता है और वो आपके हित के लिए ही आपसे निवेदन कर रहे हैं, और तमाम सारी सेलिब्रिटीज, तमाम सारे लोग आपसे बार बार पुनः आग्रह कर रहे हैं कि कृपया करके आप 21 दिनों तक अपने घर पर ही रहें। तो प्लीज, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 21 दिनों तक अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए, घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको आवश्यक रूप से कहीं बाहर जाना भी पड़ता है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने हाथों में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपको आवश्यक रूप से बाहर जाना ही पड़ता है तो आवश्यक रूप से आप एक सावधानी जरूर रखें कि अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें, क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं इस कोरोना वायरस का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो है एक दूसरे तक पहुंचना। ये किसी भी वस्तु से अगर छू लेता है तो 9 घंटे तक इसका असर उस जगह पर रहता है, और हम खुद भी नहीं जानते कि हम जिन जगहों पर हाथ रख रहे हैं, जिस वस्तु को हम टच कर रहे हैं, वो कहीं उस वायरस से संक्रमित तो नहीं है।
तो इसलिए मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपके हाथों के ग्लव्स, क्योंकि आपके हाथ ही हैं जो हर वस्तु को हर जगह को छूते हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो आप हाथों में ग्लव्स पहनकर ही बाहर जाएं, और दूसरा मास्क का उपयोग करें, और तीसरा घर जैसे ही आप अपने आए तो तत्काल अपने पूरे हाथों को सैनिटाइज करें साबुन से या सैनिटाइजर से। ये सुरक्षा ही हमारे हाथ में है, अगर हम इन सुरक्षाओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस संक्रमण से, इस महामारी से बच पाएंगे। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक छोटा सा रुमाल अपने चेहरे पर बांध लेते हैं, एक मास्क बांध लेते हैं। क्या आपको लगता है कि एक मास्क बांधने से या एक रुमाल बांधने से आप इस संक्रमण से बच पाएंगे? नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इस संक्रमण का जो स्वभाव है ना वो है किसी वस्तु से किसी वस्तु तक पहुंचना। हम किसी से भी पैसों का लेन देन करते हैं, पैसों को लेते टाइम भी संक्रमण हम तक आ सकता है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स से आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों एक विशेष बात, आप सब अपने प्रदेशों में अपने शहरों में देख रहे हैं, दिन रात हमारी सेवा में जुटे हुए सभी पुलिसकर्मी जो अपना घर द्वार छोड़कर, अपने आप की चिंता छोड़कर हम लोगों की सेवा में लगे हैं। दिन रात हम कहीं खड़े होते हैं, भीड़ लगी होती है, वहाँ वो आकर हमें उस भीड़ से दूर करते हैं, हमें एक दूरी, निश्चित दूरी पर खड़े होने को बोलते हैं। तो दोस्तों ये उनका देश प्रेम है। तो एक बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए सलूट बनता है, एक बार सभी पुलिसकर्मियों का धन्यवाद जो देश के प्रति और हम सब के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें सभी पुलिसकर्मियों का कहना मानना है और प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करना है और 21 दिनों तक अपने घर में ही रहना है। दोस्तों यही एक कारण ऐसा है, अगर हमने इसका पालन किया तो हम इस संक्रमण की महामारी से निश्चित तौर पर बच पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश के वैज्ञानिक दिन और रात इस वायरस का वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, पूरा देश चिंतित है, हम सभी चिंतित हैं मित्रों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं वो सभी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणी हैं, वो तो सब इन बातों का पालन करते ही होंगे। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सके तो आपके आसपास में जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो शायद इन बातों की गहराइयों को, इस संक्रमण की महामारी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको इस महामारी से अवगत कराएं और सचेत करें और उन्हें ये समझाएं कि 21 दिनों तक घर पर ही रहना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों देश को इस संक्रमण से निकालना ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है बल्कि हर उस देशवासी की जिम्मेदारी है जो हमारे भारत देश का निवासी है, उसका ये अधिकार है, उसका ये दैनिक, उसका ये नैतिक कर्तव्य है संक्रमण से लड़ने में देश की सरकार की मदद करें। और मदद का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप 21 दिनों तक अपने घर में ही रहें। दोस्तों आप 21 दिनों तक अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, और अगर आवश्यक रूप से आपको बाहर जाना पड़ता है तो निश्चित रूप से आप हैंड ग्लव्स का, मास्क का उपयोग जरूर करें और घर वापस आने पर अपने आप को सैनिटाइज करें। दोस्तों अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत पुनः स्वस्थ, सुंदर और व्यवस्थित बन पाएगा और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। जय विजयेंद्र, जय श्री राम, जय भारत।